आज मैं उनके लिए कुछ बोलने के लिए जा रही हूँ जो कई चेहरों को एक नया रूप देती हैं और बहुत सुंदर बनाती हैं और बिल्कुल ही मतलब बहुत खूबसूरत बना देती हैं। उनके लिए एक गाना मैं बोल रही हूँ, तो उनके लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच करिएगा। तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। सिस्टर पुराना गाना है, याद करिएगा, आगे बढ़िए, पूरा वॉच कीजिए वीडियो। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शांति नीना का नमस्कार है। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र हैं उनको नमस्कार। आज मैं आपको मुसीबत के टाइम में जो मेरे दूसरा सदस्य है उनसे मिलवाती हूँ, जो अपूर्वास ब्यूटी चैनल के नाम से उनका चैनल है यूट्यूब में, आप लोग ज़रूर देखिएगा और उनसे जुड़िएगा। बहुत ही बिंदास लड़ी हैं और बहुत ही प्यारी हैं। और क्या हुआ था कि जब इंडिया की बेटी ने मुझे सब समझाया था, मेरे से फर्स्ट बार में वो मुझे चैनल पे लेके आई थी, तो फिर क्या हुआ कि इंडिया की बेटी की शायद तबीयत ख़राब हो गई या पता नहीं क्या हो गया था उनको, तो वो मेरे से उनका कॉन्टेक्ट टूट गया था, उन्होंने चैनल बनाना बंद कर दिया था। फिर मेरे दिमाग में मतलब हो गया, मैं भी थोड़ा दिमाग से ऐसे ही हूँ ज़रा, मतलब मेरे को थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है तो फिर मैं है ना उसको ख़त्म ही कर देती हूँ उस चीज़ को जिससे अपन को मतलब मन में तकलीफ़ होती है। और हिंदुस्तान सच्चे हिंदुस्तानी हूँ, मेरे पापा भी बहुत सच्चे हिंदुस्तानी थे, तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, गंदगी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैंने फिर चैनल बंद कर दिया था दोबारा से। इंडिया की बेटी से मेरा कॉन्टेक्ट टूट गया था, वो भी मुझे बहुत समझाती थी लेकिन कॉन्टेक्ट टूट गया था। उसके बाद फिर मेरी लाइफ में आई अपूर्वास ब्यूटी चैनल की जो मैडम हैं उनको, पहले मैं उनसे मैडम मैडम कहती थी लेकिन अब मैं उनको सिस्टर मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया था, बहुत ज़्यादा साथ दिया था। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने कहा आपको दुनिया की गंदगी से क्या करना है, आप अपने चैनल बनाइए, आप अपना वीडियो बनाते रहिए। तो मेरे साथ चार लोग जुड़े हैं लेकिन दमदार जुड़े हैं मुझे आगे बढ़ाने में, ईश्वर करे उनको लंबी आयु दे और मेरे साथ वो हमेशा ज़िंदगी भर जुड़े रहें। और कभी भी आप लोग चैनल मत बंद करिएगा किसी भी परिस्थिति में नहीं, भले आप 3 दिन में एक वीडियो डालें लेकिन ज़रूर डालिएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया है और मैं तो वीडियो बनाती हूँ, हिंदुस्तान को भी 5 लोगों ने आज़ाद कराया था तो मेरे 5 ही भले, पूरी भीड़ लेकर के चलने से क्या मतलब है। जो ज्ञान समझते ही नहीं हो, जो संस्कार समझते ही नहीं हो, जो हिंदुस्तान के लिए जीना ही नहीं चाहता हो, भद्दे वीडियो डेली रूटीन ये वो पति की बुराई माँ की बुराई सबकी बुराई कर करके चैनल्स में आगे बढ़ते हैं लोग, वो पैसा कमाने की सोचते हैं। तो खैर फालतू बातें हो गई हैं उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आज मैं अपनी सिस्टर के विषय में बताना चाहूँगी क्योंकि मैं उनको तहे दिल से मानती हूँ और अपूर्वास ब्यूटी चैनल के नाम से उनका चैनल है तो उनके विषय में मैं बता रही हूँ। तो सिस्टर बुरा मत मानना, आज मैं जो भी है उनके व्यक्तित्व के विषय में मैं बता रही हूँ और उनके नेचर के विषय में बता रही हूँ। क्या मैं गलत बता रही हूँ, मैं इंसान देख करके उसकी पूरी पिक्चर देख लेती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या गुजरा है, वो कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस तरीके से जिया है उसने। तो मुझे बताइएगा मैं आपके लिए कितना सच बोल रही हूँ, गलती से कुछ चेहरे निकल जाए तो सॉरी, मुझे माफ़ करना और मुझे डांट देना लेकिन मुझसे दूर मत जाना, क्योंकि क्या रहता है कभी कभी मुझसे कुछ निकल जाता है, अपन दिल से नहीं बोलते हैं। तो आपके नेचर के विषय में मैं बता रही हूँ, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मैंने मेकअप किया है आपके लिए विशेष तौर से, क्योंकि आपका ब्यूटी चैनल है, कैसा किया है ये भी बताइएगा। और मैंने ये ड्रेस पहना है आपका जो आप घर में पहनती हैं, ये देखिए ट्राइपॉड टूट चुका है मेरा तो मैं ये बता नहीं पा रही हूँ, देखिए आप, तो ये ड्रेस देखिएगा ये मैंने पहना है जो आप घर में आप रहती हैं तो तब आप पहनती हैं। तो आज मैं ये बता रही हूँ आपके लिए और पूरे हिंदुस्तान को ये बोल रही हूँ कि बहुत ही बिंदास रेडी हैं, स्वाभिमानी रेडी हैं और अपने आप को इन्होंने एक योद्धा की तरह खड़ा किया है। ब्यूटी चैनल है इनका, बहुत ही शानदार मेकअप करती हैं, बहुत ही शानदार और संस्कारों से बहुत जुड़ी हुई हैं, महानगर में रहती हैं
और बिल्कुल बिंदास रेडी हैं। जो बात कहनी है आपका नेचर मैं बता रही हूँ, सिस्टर बताइएगा ये सही है या गलत है। जो बात कहनी है आप मुंह पे कह देती हैं, दिल में कुछ नहीं रखती हैं। सारी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं यदि सच बोलने के लिए खड़ा करा जाएगा तो आप सबसे पहले आगे होंगी। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? फिर आपको हर सच आप बोलने में पीछे नहीं हटती हैं, और आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देने की पूरी पूरी कोशिश की है और दिए हैं, और आपने अपने काम को पूजा समझा है, और अपने चाहे वो घर का काम हो चाहे वो पार्लर का काम हो तो आप एक पूजा समझती हैं और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटती हैं, और आप काफ़ी संस्कार हैं आपको, और हर चीज़ को आप समझती हैं और बहुत संस्कार हैं, और बिल्कुल बिंदास जीती हैं, जो बोलना है मुँह पर बोल देती हैं, आप मन में कुछ भी नहीं रखती हैं। आपके साथ भी ये है कि जो इंसान को समझने की बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छा आपके पास माइंड है कि आप इंसान को समझती हैं जैसे आपने मुझे समझा, और हमेशा समझते रहिएगा। और अपने परिवार के लिए आप बिल्कुल भी आँच नहीं आने देती हैं, अपनी फैमिली के लिए जीती हैं और अपनी फैमिली को ही बहुत मानती हैं, ये आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। ईश्वर आपकी लंबी बहुत लंबी आयु करे। और बहुत कुछ है बोलने के लिए लेकिन मैं क्या बोलूँ, बस मैं दिल से बहुत प्यार से कहती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें, आपका पार्लर बहुत आगे बढ़े और सुनहरी अक्षरों पे आपका नाम लिया जाए। मुझसे जो भी जुड़े हैं सब लोग अपूर्वास ब्यूटी चैनल पे ज़रूर जाएं और मेरी सिस्टर को आगे बढ़ने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, ख़ासतौर से सिस्टर तुम भी ज़रूर मुझे बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो, और कुछ मुझसे निकल गया हो तो सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, राम का नाम अमर रहे, संस्कार हमेशा बने रहें। जय श्री राम।